खुद शॉक्ड हूँ सर माधुरी के बारे में सुनकर। और अपनी करनी पर कोई शौक? ये क्या आरोप लगा रहे हैं सर? माधुरी मेरा पास था। ठीक नहीं था, एक खट्टा सा स्वाद रह गया था दिल में कहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था सर, किसी को लाइक करना कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, मैंने जिस तरह से अपने दोस्तों को बोला वो गलत था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास उसी वक्त हो गया था। अब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाऊं या पुलिस के पास? माधुरी आई एम सॉरी, मैं तुमसे पूछने वाला था। क्या? यही कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। फिर वही बात, तुम पागल वागल हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में तो क्या किसी के भी बारे में ऐसा फील नहीं करती, और आज के बाद मेरे बारे में किसी से कोई बात मत करना। माधुरी दिल से कह रहा हूँ सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे सॉरी बोलने से ना कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जो बकवास फैला कर रखी है ना तुमने कैंपस में, जाके पहले उसको ठीक करो। अगर अगली बार मुझे ऐसी किसी अफवाह का सामना करना पड़ा ना, तो तुम्हें मेरे स्ट्रिक्ट एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। मुझे बहुत शर्म आई, इतना गंदा लगा अपने आप के बारे में कि मैं अपनी शक्ल माधुरी को कभी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वो कॉलेज ही छोड़ दी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये हृदय परिवर्तन वाला झूठ हम लोग मान लेंगे? सर आप लोग क्या मानेंगे या क्या नहीं मानेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद आज 28 जून 2016 को मैंने माधुरी का नाम पहली बार सुना। प्रदीप कॉलेज छोड़ने के बाद और क्या क्या किया तुमने? मैंने दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर उसके बाद जॉब की। अपनी दोस्त अंकिता से मुझे सच्चा प्यार मिला जिससे मैंने शादी की। अब मैं सेटल्ड हूँ सर, और माधुरी से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दूर दूर से सुपारी तो दी जा सकती? ऐसा नहीं है सर, मैं मानता हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को मेरे पास तक ले आई है, पर वो मेरा पास था जो आप लोगों को मेरे पास तक लाया। मैं अपना पास भुला चुका हूँ सर, वो मेरे लिए क्लोज चैप्टर है। मैं जाऊँ सर। लेकिन फोन चालू रखना, हम लोग कभी फोन कर सकते हैं। सर प्रदीप साठे ने इस साल माधुरी को कोई फोन या कोई मैसेजेस नहीं किए। लगता तो नहीं है इसने कुछ किया होगा, पर फिर भी अतीत के घाव, खासकर ये इश्क मोहब्बत वाले, अक्सर नासूर बन के पनपते रहते हैं। पूरा चिट्ठा खुलवाता हूँ इसका पिछले 2 सालों का। सर इस प्रदीप साठे को पूरी तरह से हम रूल आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह से हमारे हाथ में कुछ है नहीं। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि प्रदीप कातिल नहीं। फिर कौन है, कौन है जिसे माधुरी से इतनी नफरत थी, इतना गुस्सा था? सर 4 महीने पहले तो माधुरी मुंबई आई थी एक नई जिंदगी बनाने के लिए। होनहार थी, मेहनती थी, कोई उससे जल गया क्या? आई, डब्बा पैकेट ठेवला। आपके ट्रेन का टाइम हो गया। आई ये हमारे माधुरी के साथ ही ऐसा क्यों हो जयेश? मैं क्या बोलूं बाबा, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई था यहाँ? रब ये सब सोच के क्या होने वाला है, माधुरी तो गई, अब सब पुलिस के हाथ में, जब पता करेगी तब पता चलेगा क्या सच था क्या नहीं। सोसाइटी में पहरा बढ़ा दिया गया, लोग आतंकित थे। माधुरी के घर वाले इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि माधुरी अब उनके बीच नहीं है।
मानो एक रात अचानक से एक तूफान आया और उनकी सारी खुशियां रौंद कर चला गया। इस शोक मनाते घर से थोड़ी ही दूरी पर एक और परिवार अपने एक सदस्य के मारे जाने के गम में डूबा हुआ था, तो दूसरी ओर एक तीसरा आदमी अपनी तकदीर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो उस पर हुए हमले में मारा नहीं गया। 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी, सोच ले। हाँ साहब, चलेगा, मैं कर लेगा साहब। महीने का 2 ही छुट्टी मिलेगा, ऊपर मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। वो भी चलेगा साहब। आज से शुरू कर। एकाशी, ये नकुल की जगह पे आया है, इसको काम समझा दे, चल। माधुरी साटम रेप और मर्डर केस में कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा था जो कि उन्हें मुजरिम तक ले जा पाता। दरअसल पुलिस गलत दरवाजों पर दस्तक दे रही थी, पर जब सही दरवाजा खुला तो सबको जबरदस्त शॉक लगा। शॉक इस बात का कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू छूट कैसे गया। मैं कमिश्नर। यस कम इन। पूरा शहर दहशत की गिरफ्त में है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वॉचमैन का मर्डर, एक जवान लड़की के घर में घुसकर उसका रेप और फिर उसके बाद उसका मर्डर, एक वॉचमैन पर अटैक। बस मैं यही चाहता हूं कि ये तीनों केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। हम लोग काफी कड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ प्रिवेंटिव कदम भी उठा रहे हैं। नाइट पेट्रोलिंग डबल कर दी गई है और खबरी ओवरटाइम कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि ये काम और भी फास्ट हो। विजय सर, मैं चाहता हूं कि माधुरी साटम का केस क्राइम ब्रांच लोकल पुलिस के साथ हैंडल करे। बाकी दो केसेस पे भी इंटेलिजेंस और प्रोग्रेस शेयर होगी। सच कहें तो इस केस को अभी तक हमने हर एंगल से टटोला पर कुछ नहीं मिला। माधुरी साटम का फोन अभी भी सर्विलेंस पर है? यस सर, पर अभी तक कोई एक्टिविटी रजिस्टर नहीं हुई है। और वो दोनों केसेस, महेश जगताप और नीलेश पांडे? दोनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, लेकिन अभी कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा। महेश जगताप अटैक में मारा गया और नीलेश पांडे बच तो गया, लेकिन वो अटैकर्स को देख नहीं पाया। हमें दोनों वॉचमैन पे हुए अटैक की फाइल की कॉपी चाहिए। जी, मैं आपके ऑफिस में जाता हूँ। इन तीनों केसेस में कुछ कनेक्शन लगता है। 20 जून को महेश जगताप का मर्डर होता है, 22 जून को नीलेश पांडे पर अटैक होता है, 24 जून को माधुरी साटम। एक दिन छोड़कर एक दिन तीन अटैक होते हैं एक इलाके में। एक काम करते हैं, आपस में काम बांट लेते हैं, लेकिन फोकस एक ही रहेगा। हम इन तीनों केसेस को एक केस की तरह देखेंगे। जी विजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काम बांटते हैं लेकिन तीनों केसेस को एक ही केस की तरह हैंडल करते हैं। तीनों केसेस की FIR मंगवा लेता हूं। नरेश, माधुरी साटम रेप और मर्डर केस का एंगल पर्सनल हो सकता है, लेकिन हालात पर गौर करें तो कुछ और ही है। एक काम करते हैं, इन तीनों केसेस पे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सर, माधुरी साटम के घर और सोसाइटी एक बार चल के देख ले। अभी चलते हैं। हेलो साहब, किससे मिलना है? क्राइम ब्रांच। सलाम साहब। 24 जून की रात को जो मर्डर हुआ था एक लड़की का, हाँ, उस रात को तो ही ड्यूटी पर था? नहीं साहब, मैं नहीं था उस दिन ड्यूटी पर, दूसरा वॉचमैन था। मुझे सोसाइटी का वो एरिया देखना है जहाँ से उस रात कातिल भागे थे। हमें आपका एक बार घर देखना है। थैंक यू। कुछ पता चला किसने किया मेरी बहन के साथ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, हम उस तक पहुंचेंगे जरूर। हमारे इलाके के उस वॉचमैन के मर्डर की खबर पड़ी ना साहब, तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में कुछ ऐसा होगा। और मेरी इकलौती बहन थी साहब, 22 साल की, बहुत कुछ बनना चाहती थी। जो आपकी बहन माधुरी के साथ हुआ है ना,
वो हम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होने देंगे। नरेश, ये भी तो हो सकता है कि रैंडमली बिना कुछ सोचे कोई शख्स या ग्रुप ऐसे ही लोगों पर अटैक कर रहा है। अभी कुछ देर के लिए माधुरी साटम का कोई पर्सनल एंगल होने की पॉसिबिलिटी को एक तरफ रखते हैं और इन दोनों केसेस पे देखते हैं। हाँ बोलो विजय साहब। शी मुझे किसी गैंग का काम लगता है। लेकिन हमने सभी चोरों के गैंग से उठवाया था। दोबारा उठाओ, दोबारा अच्छे से धुलाई करो। अगर ये कोई नया गैंग भी है तो पुराने गैंग से ही कोई टिप मिलेगी। जी नरेश, महेश जगताप केस की सारी डिटेल्स ले लो, हम साइट पर जा रहे हैं। राइट सर। आई एम श्योर वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इन तीन केसेस को जोड़ने वाली कड़ियां इस वक्त बेखबरी की धुंध में उछल थी। तहकीकात करने वाली टीम्स इस धुंध में हाथ पैर मारती हुई जा रही थी और अचानक उनके कदमों तले एक ऐसा सुराग आया जिसने इस केस को एक नई अनदेखी अनसोची दिशा दे दी। जी क्राइम ब्रांच, सबीना क्या नाम बताया था उसका? अजीत सालवी साहब, वो वहीं का रहने वाला है। उसी ने सबसे पहले महेश जगताप की लाश को देखा था। इस अजीत को फोन करके बोलो आगे हमसे मिले, हम लोग क्राइम सीन पर ही हैं। सर, वॉचमैन महेश जगताप की लाश जिसने सबसे पहले देखी थी, अजीत सालवी, वो पहुंचने वाला है। अजीत सालवी? हो साहब, मीट। वॉचमैन महेश जगताप की लाश सबसे पहले तूने देखी थी? हो साहब, मैं वहां संडा जा रहा था। मैं सामने वाले वॉचमैन को आवाज लगा रहा था सर। सामने वाला मतलब मिल कंपाउंड का गेट वाला? हो सर, वही। फिर सब लोग इकट्ठा हुए, बस्ती के लोग भी आए। वहाँ गेट पर दो वॉचमैन हैं। हाँ सर, वो पहले भी थे वही। वही दोनों वॉचमैन ना जो आते वक्त दिखे थे? हाँ सर। 20 जून की रात को तुम दोनों ड्यूटी पर थे? जी सर, हम दोनों ही ड्यूटी पर थे और उस दिन हमारी नाइट शिफ्ट थी। नाम क्या है तुम दोनों का? जी मैं सुरजीत सिंह। जतिन भाटिया। ये जगताप की यूनिफॉर्म और तुम दोनों की यूनिफॉर्म अलग अलग, अलग अलग एजेंसी से हो? जी सर, हमें मिल कंपाउंड के लिए रखा गया है। अब वो मजदूरों की बस्ती की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्टर विशाल करंदे ने दूसरी जगह से आदमी मंगवाया था। सर, महेश जगताप बस्ती के पिछले वाले हिस्से में पहरा देता था और वहां रहने वाले मजदूरों की हिफाजत करता था। तुम दोनों मिलके सामने वाले गेट के वॉचमैन मजदूरों की बस्ती के पीछे वाली साइड पर नहीं जाते? जी सर। और वहां का वॉचमैन महेश जगताप कभी सामने वाले गेट पर नहीं आता था? जी सर। नरेश, कॉन्ट्रैक्टर विशाल को बुलाओ। नहीं सर, 24 जून की रात, मेरा मतलब 25 जून की सुबह को जो वारदात हुई, माधुरी साटम का रेप और मर्डर, उसके बाद वहां से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये पांचवी बार हो गया। आप लोग हमें खाली पीली फोकट में रगड़ रहे हो। तुम लोगों में से कौन अंडरग्राउंड गया? किसी बिल्डर या सेठ को मारा होता तो समझे, कोई वॉचमैन की सुपारी क्यों देगा या लेगा। ऊपर से उस मैडम का केस, दोनों में कुछ कनेक्शन बनता नहीं है सर। कनेक्शन बनाना हमारा काम है रसूल। तो सिर्फ इतना बता, इस इलाके में कोई नया गैंग आया? अगर कोई नया गैंग आया भी है ना, तो लोग का कुछ सॉलिड खुफिया तरीका रहेगा काम करने का। बिल्कुल सर, हम लोगों ने चूं तक नहीं सुना सर, और ना ही सुना कि कोई चोरी का माल बेचने के लिए आया या कोई हथियार खरीदने के लिए आया। सर, माधुरी का मोबाइल, लैपटॉप और गले की चेन के अलावा इस पूरे इलाके में चोरी की कोई दूसरी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ वॉचमैन निलेश पांडे की कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ बल्ब चुराए गए। हाँ सर, उसके अलावा और कुछ नहीं। महेश जगताप की बॉडी से क्या क्या चुराया गया? मोबाइल और वॉलेट सर। ये कोई पुरानी गैंग नहीं है, नई गैंग है। कोई एक आदमी या फिर दो छोटे छोटे। 24 जून के बाद से कोई अटैक नहीं हुआ है। सर, लोकल पुलिस ने इलाके के सारे गैंग्स को तोड़ा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सुराग नहीं। सुराग इसलिए नहीं मिला है क्योंकि तीनों केसेस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर पैटर्न एक होता तो वो पैटर्न ही सुराग होता। एक मर्डर, एक अटेम्प्ट टू मर्डर, और दोनों केसेस में एक ही बात कॉमन, वॉचमैन। और अगर ये पैटर्न है भी तो फिर एक अलग ही क्लास की लड़की जिसके घर में घुसते हैं, रेप करते हैं और फिर उसका कत्ल कर देते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि तीनों केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
देखो यहां पर महेश जगताप का मर्डर होता है और यहां इस साइड पर वॉचमैन नीलेश पांडे पर अटैक होता है। मान लेते हैं कि अब तक पैटर्न एक ही है, दो वॉचमैन दो बस्तियां, और फिर एक दिन बाद एक गली छोड़कर यहां पर माधुरी साटम पर अटैक होता है, यानी तीन अटैक एक एक दिन के गैप के बाद। शायद कोई सिंगल आदमी जो रात को ऐसे ही निकल जाता है, शायद कोई साइको। कॉन्ट्रैक्टर विशाल की क्या खबर है? सर मैसेज आया था कि वो गांव गया, कल तक पहुंच जाएगा। हमें महेश जगताप केस में हमारी पहली लीड मिल गई। महेश जगताप ने अपने मर्डर से 25 दिन पहले ज्वाइन किया था 26 मई, और इससे पहले इन मजदूरों की बस्ती में कोई गार्ड नहीं था। सर इस महेश जगताप को सिर्फ 25 दिन पहले ही काम पे रखा गया था। और इससे पहले? इससे पहले कोई भी नहीं था साहब। इस कॉन्ट्रैक्टर विशाल को हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हेलो हेलो, अरे कौन बोलते रे? हेलो, अरे कौन बोलते रे बाबा? हेलो हेलो, अगर ट्रेन चा टाइम झाला आता, तैयार हुए कि नहीं दोनों? हो हो झालं सगळं, चला निघूया। हाँ चल। तुम्हाला बोलतोय या की लवकर आता। चल राखी चल लवकर। साहब वो मिल पिछले कई दिनों से बंद पड़ चुकी है, तो मैंने अपने साइट के वर्करों के लिए उसके मालिक से इसे किराए पे ले रखा है। अब बस्ती भी वहीं बसा दी, काम है ना मेरा साहब। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों के लिए साइट पर या साइट के आसपास घर बनाता है, ये उसका काम है, ये मुझे मालूम है। मुझे ये जानना है कि मजदूरों की बस्ती में वॉचमैन क्यों रखा गया। साहब पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, चोरियां हो रही थी। कैसी चोरियां? साहब इस जगताप को ड्यूटी पे रखने से 3-4 दिन पहले बस्ती में एक लफड़ा हुआ था। 20 मई 2016 की रात को इस बस्ती में जो वाकया हुआ वो इन तीनों केसेस की जड़ थी, और इस वाकयात की छानबीन ने इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या हो रहा है यहाँ? कौन पत्थर मार रहा है? अगले दिन कई मजदूर आए साहब शिकायत करने, किसी के मोबाइल चोरी हुए थे, किसी के पैसे चोरी हुए थे, किसी के बर्तन तक चोरी हुए थे साहब। घरों में से? जी साहब। हम मिल के गार्ड लोगों को पूछने गए कि क्या लफड़ा है, उतने में हमारे घरों में घुसकर कोई चोरियां कर गया। ये पीछे का इलाका है बड़ा खतरनाक। आप लोग अपने अपने खोलियों के दरवाजे खुले छोड़ गए थे? एकदम से पथराव होने लगा छतों पर, हम सब बाहर भागे, अब कौन दरवाजा बंद करने की सोचता। आपने तो चोरों को खुला ऑफर दे दिया। लोगों की पूरे पूरे दिन की कमाई गई है विशाल भाव। हाँ विशाल भाव, कई लोगों के तो फोन भी गए। इतना नुकसान कौन भर के देगा विशाल भाव? देखो मैं आप लोगों का नुकसान भर के नहीं दे सकता, हाँ लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक वॉचमैन रखवा देता हूँ, वो पिछले इलाके में पहरा देगा। तभी मैंने एजेंसी से इस महेश जगताप को ड्यूटी पे रख लिया साहब। उस रात को जो छतों पर पथराव हुआ था और घरों में से चोरियां हुई थी, इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में? नहीं की थी साहब, लेकिन दूसरे दिन से सभी लोग अपने अपने काम पे लग गए, और फिर आगे 4 हफ्तों तक कुछ भी तो नहीं हुआ ना साहब। कोई चोरी नहीं हुई लेकिन महेश जगताप का मर्डर हो गया। हाँ लेकिन वो ये सब लेकिन वेकिन बाद में विशाल, सब कुछ
उस रात मजदूरों के घरों से क्या क्या चोरी हुआ उसकी मुझे लिस्ट चाहिए। फोन, कैश, बर्तन, सब कुछ। साहब मेरा फोन नंबर बोलो। 44 47 86 545। ठीक। मेरे 2500 रुपए भी गए साहब। मेरा भी मोबाइल गया सर। कुल मिलाकर 15 मोबाइल चोरी हुए। सबके घर से कुछ ना कुछ कैश गया। टोटल 35-40 हज़ार के आसपास। और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई इन लोगों ने? नहीं सर। जितने भी मोबाइल चोरी हुए सबके कॉल रिकॉर्ड निकालो, तुक्का लगाते हैं, हो सकता है निशाना सही लग जाए। मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है, शायद कोई गैंग है और इतना नया कि अभी तक रडार पर नहीं आया है। विजय जी, हमसे एक चूक हो गई कि पिछले वाले गेट पर पहले गार्ड था ही नहीं। इस बात को हमने टटोला नहीं, चेक नहीं किया। चुराए गए नंबर की कॉल डिटेल्स आ जाए, शायद वो नंबर से कड़ियां हैं इन केसेस को जोड़ने वाली। बस्ती से जो 15 फोन चोरी हुए थे उसमें से एक नंबर एक्टिव था जो अभी भी यूज में। किसका नंबर है? मंगेश बंसोड़े। 44 47 86 545। 4447865455। इस नंबर से पिछले 3 हफ्तों से सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल किया गया। 4441200090। ये किसका नंबर? जी, क्राइम ब्रांच। 4441200090। तुम्हारा है नंबर? हो साहब, क्यों? तुम्हारे इस नंबर पर पिछले 3 हफ्तों से 4447865455 इस नंबर से कई बार कॉल आया है। इसका है नंबर? मेरे को मालूम नहीं साहब, आप नंबर बोलो साहब, मैं लगाता है अपने मोबाइल पे। 4447865455। The number you have called is currently switched off. बंद है साहब, पर किसका नंबर है मेरे को मालूम नहीं साहब। ये नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये चुराया हुआ नंबर है, और इस चुराए हुए नंबर से तुम्हारे इस नंबर पर कई बार कॉल आया है। साहब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, पर मेरे को अभी याद आया साहब, ये नंबर से मेरे को बहुत बार फोन आया साहब। ये देखिए। एक मिनट सर, इस नंबर से कोई मैसेज भी है। 2 जुलाई को किया गया। राजीव। हेलो, कौन बोलता है? हेलो साहब, ये वही नंबर होगा साहब, ये नंबर से मेरे को बहुत बार फोन आया साहब, कभी कभी तो दिन में 3-4 बार फोन आता है, पर कोई बात नहीं करता है। कौन है राजीव? मैं नहीं जानता साहब। तुम्हारे घर में इस नंबर को तुम्हारे अलावा कोई और भी इस्तेमाल करता है? मजदूर आदमी हूँ साहब मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी राखी सब लोग यही फोन इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर मीरा रोड की एक कंस्ट्रक्शन मजदूरों की बस्ती से चुराया गया। जानते हो वहां किसी को? राम मंदिर के पास नई बिल्डिंग बन रही है, मेरी साली रहती है साहब वहां, वो और उसका पति वहां बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते, अमित मोहिते नाम है मेरे साड़ू का। अरे कल घर पे आना मेरे, आज छुट्टी है मेरी, आ जाओ यार। तुम अभी अपने साड़ू अमित को फोन लगाओ। हेलो। हाँ वसंत भाऊ, बोला बोला। अमित, तू किसी राजीव को जानता है उधर? राजीव? हाँ, उसके फोन से मेरे को बहुत बार फोन आया था,
पर कोई बात नहीं करता है। एक बार मैसेज भी आया जो मैंने देखा नहीं, पर उसमें भी राजीव नाम लिखा है। मुझे पहचानने वाला कोई राजीव आपको फोन और मैसेज काय को करेगा? वो सब छोड़ना, तू किसी को जानता है क्या? हाँ जानता हूँ। कौन है? हमारे बाजू में एक बेवड़ा रहता है चंद्रकांत सरोडे करके, उसकी पत्नी घर काम करती है, उनको एक बेटा है उसका नाम राजीव है। वो करता क्या है? चोरी करता है। साहब मेरे साढ़ू के पड़ोसी का लड़का है वो राजीव, वो कह रहा है कि वो चोरी चकारी करता है। अमित मैं विजय क्राइम ब्रांच से हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम हमारे ऑफिस पहुंचो, हम इस राजीव के बारे में जानकारी चाहिए। बसंत तुम्हारी बेटी राखी इस राजीव को जानती है क्या? माहित नहीं साहब, अभी वो गांव में। फोन लगाओ गांव में। ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जवाब दे पहले तो मेरे सवाल का। तू वो राजीव को जानती है क्या? वो बाबा जानती है मैं। ये वही राजीव तो नहीं जो तेरे मौसी के पड़ोस में रहता है? वो बाबा। तू मौसी के यहाँ रहने जाती थी तभी जान पहचान हुई तेरी उससे? वो बाबा अब आप बोलोगे क्या किया है उसने, क्या हुआ उधर? ये सब मेरे को नहीं मालूम, पुलिस वाले बोल रहे थे कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। आज के बाद तू उससे एक शब्द भी बात नहीं करेगी, बोला ना बात नहीं करेगी। चैतन्य नगर में सर, दो और लोग साथ में हैं, उठा लें क्या? सर कौन हो तुम लोग? क्या झाला? क्राइम ब्रांच। चल बताते तो जक्का ही झाला। सब क्या कर रहे हो साहब? मैंने साहब मैं सब मैंने कहा ना कुछ नहीं किया। सिर्फ 17 साल का है मेरा राजीव, मैं और मेरा बच्चा ही घर चलाता है साहब, उसका बाप बेवड़ा और नालायक है। आप उसको छोड़ दो साहब, कुछ गलतफहमी हुई है आपको। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम इसे सुधार लेंगे। चुराया हुआ मोबाइल मिला है उसके पास। फोन साहब? फोन तो मुझे रास्ते पर पड़ा मिला था। और क्या क्या चीजें मिली थी तुझे रास्ते पर पड़ी हुई, और कहाँ है वो सब? छोड़ दो ना साहब, आप लोगों को ना सच में गलत फहमी हुई है। सब सीधा साधा लड़का हूँ, बाप बेवड़ा है मेरा, माँ का हाथ बटाने के लिए नौकरी करता हूँ साहब। आर के मिल कंपाउंड में मजदूरों की बस्ती पर पथराव, फिर चोरी, उसके बाद वहां के वॉचमैन महेश जगताप का मर्डर, फिर सागर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के नीलेश पांडे पर हमला, उसके बाद श्री सुनेत्रा अपार्टमेंट की माधुरी साटम का रेप और मर्डर। क्या बोल रहे हो साहब? मैं होटल में वेटर का काम करता है, चाय कॉफी का बिल फाड़ता है साहब, और आपको कितना बड़ा बिल हमारे नाम पे फाड़ रहे हो? ए, कुछ किया है क्या तुम लोगों ने? बोल दो साहब को कुछ किया है तो। साहब आप लोगों ने गलत लोगों को अंदर किया है। सर एक मिनट, सर ये राजीव माइनर है, इसका छठी क्लास का स्कूल का सर्टिफिकेट देखा मैंने, ड्रॉप आउट कर गया था। ये माइनर ना बड़े बड़े मेजर्स को पानी पिलाएगा, देखता है ये गैंग को कंट्रोल करता है। लेकिन सर है तो माइनर, टच नहीं कर सकते। बाकी के दोनों मेजर लगते हैं, एक काम करते हैं तोड़ते हैं और तबीयत से तोड़ते हैं। चल बता
मैं बताता हूँ साहब। साहब हम लोग ने सारा कांड किया, हर जगह हम लोग थे, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा दिमाग वो राजीव का था। वो प्लानर है हमारा, बॉस भी। ये पत्थर ना हम सारे छत पर तीनों अलग अलग जगह से मारते, ना गुड लक सही रहा तो सारे लोग डरकर दरवाजा खोलकर भागेंगे, उतने में ही हम अंदर जाकर झाड़ू मार लेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर बल चुरा रहे थे ना साहब, तो वहाँ पर वो वॉचमैन टपक पड़ा था साहब। साहब हम लोग को लगा वहाँ पे मजदूर लोग रहेंगे, हम उनको लूट सकेंगे। ए, भागो रे यहाँ से, चलो। महेश जगताप, हम लोग वो बस्ती में जब दोबारा लूटने गए तभी वॉचमैन था उधर, तभी राजीव बोला हम लोग को कि साले को खत्म कर दो, फिर इस बस्ती में कोई वॉचमैन बनने का डेयरिंग नहीं करेगा। अब देख अपना काम कैसे मक्खन की तरह चलता है। चलिए सुनेत्रा अपार्टमेंट की वो लड़की जो अपने घर के बाहर के कमरे में थी। ए, इधर का वॉचमैन गेट पर सोया रहता है। सुन बे राजीव, अब बस्ती लूटना एक अलग बात है, अभी ये बिल्डिंग है ये कुछ समझा नहीं, इसे लफड़ाने का कुछ इधर घर के अंदर चढ़कर लूटना हलवा नहीं है भी। तो क्या सुना है यहाँ पे कैमरे वैमरे होते हैं? ये देख, ये ना खास बिल्डिंगों के लिए, तुमको थोड़ा बड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, वरना सारी लाइफ बस्ती में रहेंगे हम लोग। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अबे नहीं आने का है ना तो मत आओ, तुम दोनों नहीं जाते अंदर। वॉचमैन चल, हम चलते हैं, नहीं तो हम भी मरेंगे। अबे चल ना, चल चल। हम बिल्डिंग में गए नहीं थे साहब, हम बाहर से कर लिए थे। हम लोग चलते, हम लोग को नहीं मालूम कि राजीव फ्लैट में क्या क्या किया। दूसरे दिन अखबार पढ़ा तब समझ में आया कि ये क्या क्या कांड करके रखा है। सिर्फ राजीव गया था अंदर? हो सर। हाँ सर। जो जो सामान चुराया था कहाँ है वो? हमारे बस्ती के पीछे खाड़ी की जमीन है, वहीं पे सामान छिपाया। तेरे दोनों साथीदारों ने सब कुछ गल दिया है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मुझे फंसा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा अब कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों ने जो जो चुराया था हमने सब बरामद कर लिया है, हथियार भी। तुम्हारी बस्ती के पीछे जो खाड़ी है ना, वहां से तेरे दोनों खास दोस्त दिनेश और अभय, दोनों का कहना है कि गैंग का बॉस तू है, वो दोनों तेरी सुनते थे। सब बोले वो लोग? हाँ ऐसा ही बोले। वो बोले कि सारी चीजें तू तय करता था, तू सोचता था, सारी प्लानिंग तेरी होती थी, वो दोनों तेरा हुक्म बजाते थे। वो लोग मेरी सुनते थे साहब, मैं छोटा हूं उन दोनों से। मालूम है मुझे, जानता हूं मैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे। अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो लूट का बराबर हिस्सा क्यों लिया उन लोगों ने? वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तूने किया। अगर वो लोग वहां मौजूद नहीं थे और उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो लूट का बराबर हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों को। बकायदा गैंग बनाई थी हमने, उन्हें सब पता था कि हम क्या करने वाले हैं। राजीव वो दोनों ये भी कह रहे हैं कि श्री सुनेत्रा अपार्टमेंट में सिर्फ तू गया था, वो लोग वहां नहीं गए थे, और माथुर के फ्लैट में जो भी हुआ वो तूने अकेले किया। हाँ साहब। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि
तो माधुरी के फ्लैट में गया कैसे होगा? जाते जाते थोड़ा मजा कर लो। माधुरी का लैपटॉप है सर, उसका मोबाइल भी बरामद हो गया। तू सच में 17 साल का है? हाँ साहब। साहब और एक बात बोल। वो लोग जो बोले कि मैं बॉस हूं गैंग का, ये बात सच है। और साहब ये भी बात सच है कि लूट का बराबर हिस्सा तीनों में बढ़ता था। ऐसे पहले हमारा घर लूटने का सोचा और घुस गया। उसे यह तक नहीं पता था कि घर में कौन कौन है। वो माधुरी को जानता तक नहीं था। महेश जगताप के घर वाले भी बुरी तरह से चौंक गए हैं ये जानकर कि एक नाबालिग लड़के ने अपने दो बालिग दोस्तों के साथ मिलकर महेश का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि बस्ती वाले घबरा जाएं। नीलेश पांडे भी शॉक में है, पर साथ में थोड़ा खुशनसीब भी महसूस कर रहा है कि उसकी जान तो बची और हालत महेश या माधुरी जैसी नहीं हुई। नाबालिग राखी भी बेहद दुखी हो गई है ये जानकर कि जिस नाबालिग लड़के से वो प्यार करने लगी थी वो दरअसल एक चोर, लुटेरा, रेपिस्ट और खूनी भी है। उसे उतना ही पता था जो राजीव ने उसे बताया था। प्रदीप साठे अपने अतीत के बल पर माधुरी रेप और मर्डर केस में सस्पेक्ट बन गया था, पर असली मुजरिम के पकड़े जाने पर उसे भी थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था और थोड़ा दर्द भी ये जानकर कि माधुरी की इतनी भयंकर तरीके से हत्या हुई थी। राजीव के दोनों साथीदार इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। राजीव खुद जुवेनाइल कस्टडी में है। ये तीनों केसेस बेतरतीब थे। राजीव और उसके दो साथीदार रैंडमली अपना निशाना चुनते थे। राजीव और उसके साथियों का किसी भी विक्टिम के साथ
कहीं से कोई निजी रिश्ता नहीं था। राजीव की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। तहकीकात के दौरान राजीव की मोडस ऑपरेंडी सामने आई। वो ज्यादातर मोबाइल फोन और कैश की तलाश में रहता था और उसके माँ बाप को इस बात का पता भी था। बाप का शराबी होना या गरीबी को दोष देकर राजीव का इतनी कम उम्र में क्रिमिनल होना, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर राजीव की माँ ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई होती तो शायद राजीव को रोका जा सकता था और शायद ये भयंकर जुर्म होते ही नहीं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।